सनसनी ऑफ इंडिया। एक महिला को उसी के घर में बंधक बनाकर लूटपाट करके वर्ष 2013 से फरार 20,000 के इनामी मुजरिम को लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। 10 सालों तक उसका ये भ्रम बना भी रहा, पर आखिरकार सदर्न रेंज क्राइम ब्रांच की टीम ने उसका ये भ्रम तोड़ डाला। हर मुजरिम की तरह उसका चेहरा भी बेनकाब कर डाला। लेकिन सराहनीय बात यह है कि क्राइम ब्रांच सदर्न रेंज के दृढ़ निश्चय और प्रयासों की वजह से सालों से धूल में दफन यह अनसुलझा केस आखिरकार सुलझ गया। 10 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते आ रहे गिरफ्तार 20,000 के इनामी मुजरिम की पहचान 39 वर्षीय सुरेश यादव के रूप में हुई है। यह नक्सलाइट एरिया जमुई बिहार का रहने वाला है। दिनांक 8 मार्च 2013 को कीर्तिनगर थाना इलाके में रहने वाली शिवेंद्र कलसी नामक महिला जब घर में अकेली थी तब उनके घरेलू नौकर ने सुरेश यादव और अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और घर से ज्वेलरी व कैश लूटकर फरार हो गया था। इस मामले में कीर्तिनगर थाना पुलिस ने FIR संख्या 90/2013 धारा 394, 397/34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। कीर्तिनगर थाना पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए पिछले 10 सालों में कई बार छापेमारी की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आरोपियों को कोर्ट ने भगोड़ा कर प्रत्येक गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया था। कीर्तिनगर थाना पुलिस से मामला खुलता हुआ न देख 10 वर्षों से फरार आरोपी का सुराग खोजने के लिए रविंद्र सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच स्पेशल स्टाफ AATS व PO डिपार्टमेंट के साथ साथ सदर्न रेंज क्राइम ब्रांच के पास मामले की फाइल भेजी। पेंडिंग केस की फाइल मिलते ही विजय पाल दहिया सदर्न रेंज क्राइम ब्रांच ने केस की जानकारी अपने स्टाफ के साथ शेयर की। केस की स्टडी के दौरान कांस्टेबल अभय पाठक ने टीम को बताया कि इसी मामले में वांटेड एक आरोपी को अक्टूबर 2022 के महीने में नक्सलाइट एरिया जमुई बिहार से गिरफ्तार किया था। तब वांटेड सुरेश यादव नक्सलाइट एरिया का फायदा उठाकर रायगढ़ महाराष्ट्र में कहीं जाकर छिप गया था और यदि खोजबीन की जाए तो आरोपी व्यक्ति को वहीं से पकड़ा जा सकता है। इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया ने कांस्टेबल अभय पाठक से मिली इन्फॉर्मेशन को ACP नरेश सोलंकी के साथ शेयर किया। ACP नरेश सोलंकी ने जब यह इन्फॉर्मेशन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शेयर की तो रविंदर सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने फरार क्रिमिनल का सुराग खोजने और जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए DCP अंकित कुमार सिंह व जॉइंट CPSD मिश्रा की सुपरविजन व ACP नरेश सोलंकी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया हेड कांस्टेबल मनेदर संजय व अभय पाठक की एक टीम का गठन किया। महाराष्ट्र राज्य का रायगढ़ जिला 2 करोड़ की जनसंख्या भाषा भी मराठी ऐसे में एक फरार आरोपी को खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। ACP नरेश सोलंकी ने इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया को सलाह दी कि अगर फरार आरोपी रायगढ़ जिले में कहां छिपा हुआ है ये पता चल जाए तो उसे दबोचना आसान हो जाएगा और यह संभव हो सकता है अगर आरोपी की पत्नी और बच्चों को टटोला जाए। इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया ने फरार आरोपी के परिवार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी नक्सलाइट एरिया जमुई बिहार में ही रह रहे हैं। फरार आरोपी की पत्नी और बच्चों से जानकारी निकालने के लिए इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया ने एक योजना बनाई और टीम के साथ नक्सलाइट एरिया जमुई बिहार में डेरा डाल लिया ताकि किसी को कोई शक न हो। इसके लिए योजनानुसार क्राइम टीम के सदस्य नकली सरकारी कर्मचारी बनकर फैमिली ID बनाने के नाम पर गांव में एक एक घर जाकर जानकारी जुटाने लगे। जब टीम आरोपी के घर पहुंची तो फैमिली ID बनाने के नाम पर परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह एकत्रित होकर फोटो खिंचवाने को कहा तो आरोपी की पत्नी ने फैमिली ID बनवाने के लिए पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब टीम ने आरोपी की पत्नी को विश्वास में लेकर फैमिली ID के फायदे गिनाए तब उसने बताया कि उसका पति घर नहीं आता है, वो जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। उसके पास अपना फोन भी नहीं है। घर का हालचाल जानने के लिए वो कभी कभार किसी और के नंबर से फोन कर लेता है। आरोपी का पता खोजने के लिए टीम को इतनी जानकारी काफी थी। टीम ने तुरंत आरोपी की पत्नी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली तो एक अहम जानकारी मिली। कॉल डिटेल से पता चला कि जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के गांव वदकल से कोई कॉल करता है। टीम ने गांव वदकल जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। मुखबिरों ने गांव वदकल के एक एक ट्रांसपोर्टर के पास जाकर ड्राइवरों की डिटेल जुटाई तो एक JSW नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी से फरार आरोपी सुरेश यादव का मोबाइल नंबर हाथ लग गया। आरोपी इतना शातिर था कि उसके पास उसका खुद का मोबाइल नंबर था लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी को अपने नंबर से कॉल नहीं की थी। टीम ने गांव वदकल में छापेमारी की लेकिन फरार आरोपी सुरेश यादव को शायद शक हो चुका था कि पुलिस उसको खोज रही है तो वो वहां से भी फरार हो गया। टेक्निकल सर्विलांस से आरोपी की मोबाइल लोकेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की मिली।
इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया को समझते देर नहीं लगी कि आरोपी को भनक लग चुकी है और वो अब यहाँ से भागने की फिराक में है। इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया आरोपी को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। टीम ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को स्थानीय और रेलवे पुलिस की मदद से आरोपी सुरेश यादव को टिकट काउंटर से दबोच लिया। पूछताछ के दौरान 39 वर्षीय आरोपी सुरेश यादव ने खुलासा किया कि वो जिला जमुई बिहार का रहने वाला है और केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। 10 साल पहले वो नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था, तब उसकी मुलाकात उसके गांव के ही दोस्त सूरज से हुई थी। सूरज शिकायतकर्ता का घरेलू नौकर था। दोनों ने लूट साजिश रची और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद वो अपने साथियों के साथ लूट का सामान लेकर मौके से फरार हो गया था। उसके बाद उसने 7 साल पुणे में बतौर ड्राइवर काम करने की बात कही। अब वो ट्रक चालक के रूप में JSW कंपनी वातकल गांव जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में काम कर रहा था। फरार आरोपी सुरेश यादव की गिरफ्तारी से वर्ष 2013 में दर्ज लूट के एक मामले की गुत्थी सुलझ गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।